नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। सहारनपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और जीएसटी को लेकर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने बताया कि जीएसटी की मार और बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी कांग्रेस के प्रदर्शन के अंतर्गत जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस ने संयुक्त प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। ज्ञापन देने वालों में कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। कि गलत और एक आम जन की लिए जो नीतियां केंद्र सरकार ने उजागर की हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा विषय है सोचने का। आज हमारा देश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जो सीमाएं लांघ कर एक आम आदमी जन को, मजदूर को, किसान को, युवाओं को परेशान करने का काम इस सरकार ने कर रखा है, आज उसके खिलाफ समूचे भारतवर्ष में कांग्रेस द्वारा रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर इस त्यौहार को मनाती हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर बाजार भी पूरी तरह से सज गए हैं। बाजार में एक से एक सुंदर राखियां देखने को मिल रही हैं। इस बार रक्षाबंधन को खास बनाने के मकसद से देवबंद के मिश्रा कॉलोनी निवासी पवित्रा उपाध्याय ने अलग ही प्रकार की राखी बनाई है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी राखी बनाई। उनका कहना है कि जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा कराते हैं, उन्होंने बताया कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर लगी राखी मैं अपने हाथों से बनाऊं, इसलिए मैंने अपने हाथों से ही घर पर ये राखी बनाई है और ये राखी वाकई धूम मचा रही है। इसलिए बनाई है कि मैं 6-7 महीने से ये सोच रही थी कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे रक्षाबंधन वाले दिन बस फ्री चलाते हैं, महिला बैठ कर जाती हैं इसमें, तो मैं बहुत दिन से ये सोच रही थी कि अब की बार मैं राखी बनाऊं मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, अपने हाथों से राखी बनाऊं। कैसे आपको विचार आया? बस अपने आप ही आया। मैं 6-7 महीने तो सोचते मैं कब बनाऊंगी बनाते मेरा मन यही कहता रहा कि हाँ बनाऊंगी राखी, जरूर बनाऊंगी राखी। इसमें घर पे बनाई आपने? नहीं, मैंने अपने घर पे ही बनाई है। सुई धागे है, ऊन है, मोती है, सब सामान घर का ही है, घर से बनाई है। हरदोई में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकालकर महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, अग्निवीर के मुद्दों पर सरकार के विरोध में नारेबाजी की है। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस में जिलाध्यक्ष ने कहा है कि सरकार इन मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, जिसकी वजह से हम लगातार इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के धोबी वाली गली के रहने वाले लोगों ने तथाकथित पत्रकार पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। भारी मात्रा में महिला और पुरुष एसएसपी दफ्तर पहुंचे हैं। जमीन दिलवाने के नाम पर अनवर बबलू पत्रकार ने लाखों रुपए लूट लिए, ऐसा आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि ना तो आज तक जमीन दी है ना पैसे वापस किए हैं। एसएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार ये लोग लगाते हुए नजर आए। सर शिकायत लेना हम यहाँ आए हैं कि हमने जमीन के लिए पैसे दिए थे बबलू को। कौन बबलू? बबलू अनवर है, कोई प्रॉपर्टी डीलर। आज जो है वो इस वक्त जो है वो पत्रकारी कर रहे हैं। तो क्या किस बात के लिए पैसे दिए हैं? जमीन लेने के लिए। जाट जमालपुर में जमीन उन्होंने हमें दिखाई थी, लेकिन ना तो उन्होंने आज तक हमें कोई जमीन दी ना ही उन्होंने कोई पैसा दिया। और हम पहले पैसे दिए थे, कहाँ जमीन? कम से कम 7-8 साल पहले दिए थे हमने पैसे उनको। जब से अब तक जमीन नहीं मिली आपको? बिल्कुल कुछ नहीं दिया उन्होंने, खाली दिलासा दिया और जमीन नाप भी इस तरीके से मतलब तुम्हारी हो गई। तो हम सीधे साधे हमें क्या, हमने उनको पैसे दे दिए 10,000 रुपये एक बार, फिर एक बार 15,000 दिए, फिर एक बार हमने 40,000 दिए, 65,000 रुपये तो मेरे पहुँचे हुए उनको। तो क्या कहते हैं अगर मिलते हैं तो मुलाकात हो? दो एक बार, एक बार बात भी करिए, बोले हाँ ठीक है मैं आज दे दूंगा कल दे दूंगा, लेकिन मैं एक बार गया भी था तो मुझे लेके पहुँच गए। अब मैं एक साहब को लेके पहुँचा जो जिनको मालूम थे जमीन के बारे में, चलो भाई मैं देखता हूँ कैसी जमीन है क्या है।
और ये पूरा मामला जनपद प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र का है, जहां उतराव के मुलानपुर गांव में रेडगल स्कूल की बस स्कूल से छात्रों को लेकर घर छोड़ने जा रही थी। जैसे ही मुलानपुर गांव के समीप पहुंची कि तभी अनियंत्रित बस दो सगे भाइयों को रौंदी, जिससे दमगड़ा निवासी मंडीलाल केशरवानी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे फौरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पुनवासी लाल की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुरादाबाद के कुंदुरकी विकासखंड क्षेत्र के गांव पीतपुर न्याय खेड़ा में तैनात अध्यापक मुजाहिद हुसैन ने प्राथमिक स्कूल के निर्मित एक अतिरिक्त कक्ष को 30,000 रुपए में बेच दिया है। जिस व्यक्ति ने उसे खरीदा उसने उसे तुड़वा भी दिया। शिकायत होने पर जांच करने खंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे और शिकायत सही पाई और उसकी रिपोर्ट PSA को भेज दी है। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से भारी मात्रा में मिलावटी शराब और उपकरण बरामद हुए। पकड़े गए दोनों युवकों पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसका खुलासा खुद पुलिस ने किया। फतेहपुर जिले में कांग्रेसियों ने नहर कॉलोनी में धरना प्रदर्शन कर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, महंगाई, बेरोजगारी, खाद्य पदार्थ में लगाई गई GST सहित तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया, जहां राष्ट्रव्यापी आंदोलन में गिरफ्तारी देकर विरोध कर ये नारेबाजी करते रहे, जहां बड़ी संख्या में फोर्स मौजूद रही। कांग्रेसियों की माने तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से दमनकारी नीति चला रही है, आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा है। देश की जनता महंगाई से परेशान है। कांग्रेसियों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर गिरफ्तारी देते हुए नजर आए। वहीं छत्तीसगढ़ के प्रभारी कांग्रेस नेता शिवकांत तिवारी ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार ईडी को मोहरा बनाकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के यहां कार्रवाई करवा रही है, इससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। देश में महंगाई से जनता परेशान है। जब गैस सिलेंडर 400 रुपए का था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर धरने पर बैठ गई। आज सिलेंडर 1100 रुपए में मिल रहा है तो वो कुछ नहीं बोल रही है। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेसियों द्वारा महंगाई और खाद्य सामग्री में लगाई गई GST सहित अन्य मुद्दों को लेकर गिरफ्तारी देकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और आगे भी जारी रहेगा। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। PM मोदी की मंशा है कि देश के हर घर पर तिरंगा फहराया जाए। इसको लेकर CM योगी के निर्देश पर तमाम विभाग हर घर तिरंगा फहराने के मिशन में जुट गए हैं, जिससे आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न यादगार बनाया जा सके। आगरा में हर घर तिरंगा फहराने का मिशन देशभक्ति के साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार भी दे रहा है। महिलाओं ने बताया कि हर दिन अलग विभाग के साथ ही स्कूल और कॉलेज से तिरंगा बनाने का ऑर्डर मिल रहा है। तिरंगा के मिल रहे ऑर्डर के मुताबिक हर दिन एक समूह की महिलाएं 2000 तिरंगा बना रही हैं, जिसे समय पर डिमांड ऑर्डर की डिलीवरी कर सके। सरकार के इस पहल से हमें रोजगार भी मिला है, यह पहल बेहद ही सराहनीय है। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद मुस्तफाबाद को जाने वाले मार्ग स्थित SN फिलिंग स्टेशन पर तैनात सेल्समैन सुरेश सिंह रात करीब 10 बजे के करीब वाहनों में पेट्रोल डाल रहा था कि तभी एक वैगनार कार चालक आकर रुका और उसने 1000 की पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद चालक गाड़ी को लेकर मैनपुरी चौराहे की तरफ भागने लगा। जानकारी होने पर सेल्समैन ने वाहन चालक को रोकने के लिए ऑटो में बैठकर उसका पीछा किया। मैनपुरी चौराहे के समीप पहुंचकर जैसे ही उसने कार के आगे खड़े होकर उसका फोटो खींचना चाहा, तभी चालक ने उसे रौंद दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी होते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन मौका पाकर चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस घायल सस्पेंड को लेकर चिकित्सालय आई, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है। वहीं जो आरोपी है उसकी भी तलाश लगातार की जा रही है। फरुखाबाद में अतिक्रमण हटाने गए SDM ने महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। SDM महिला की जमीन को खाली कराने पहुंचे थे। महिला ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा था। महिला ने पूरी गली से अतिक्रमण हटाने की SDM से गुहार लगाई। SDM ने महिला से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पहले तुमको ही साफ कर देंगे, बाद में गली साफ होगी। सोशल मीडिया पर SDM कायमगंज का अभद्र भाषा का वीडियो वायरल हो रहा है। कायमगंज तहसील के ब्लॉक नवाबगंज क्षेत्र के हथौड़ा गाँव का यह पूरा मामला।
बिजनौर में मंदिर की पुजारी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही डीएमएसपी मौके पर पहुंचे हैं। बिजनौर में अज्ञात बदमाशों ने मंदिर की पुजारी की पीट पीट कर हत्या कर दी। 70 साल के बुजुर्ग पुजारी बेग्राम कई सालों से मनोकामना मंदिर में रहकर पूजा पाठ करते थे। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पुजारी के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पुजारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। थाना शेरकोट के कस्बा शेरकोट के मनोकामना मंदिर का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर में आयुष्मान भारत योजना गरीब तबके के लिए वरदान साबित हो रही है। इसका प्रत्यक्ष और ताजा उदाहरण है जौनपुर के शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिला। इन दिनों संक्रमित बीमारियों को लेकर दहशत में लोग दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और सरकारी और चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में गोल्डन कार्ड वाले लाभार्थियों को निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है और दवा भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है। पीलीभीत में मामूली विवाद के बीच दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। बताया जा रहा है कि बच्चे खेल रहे थे तभी बच्चों के बीच कुछ विवाद हुआ और देखते ही देखते इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। दो पक्षों के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच खुलेआम लाठी डंडे चले हैं। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।